नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टिकट। जनपद श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर। कलियुगी माँ ने नवजात को फेंका। एक माँ खुद को भूखा रखकर अपने बच्चे की भूख मिटाती है। उसे चलना बोलना खाना खेलना सब सिखाती है, खुद दुख सहकर उसे दुख का एहसास नहीं होने देती। इसे कहते हैं माँ जो खुद धूप में जलकर बच्चे को साड़ी के पल्लू से छाया देती है। इसे कहते हैं माँ की ममता। लेकिन श्रावस्ती जनपद में एक माँ ने ममता को शर्मसार कर दिया। जी हाँ, भिंगा सिरसिया मार्ग पर स्थित जंगल में कैन नाले के पास एक नवजात को झोले में रखकर फेंक दिया गया। अपने किसी काम से पत्नी के साथ भिंगा गए बगही गांव निवासी रामसूरत यादव भिंगा जंगल से गुजर रहे थे। कैन नाले के पास पहुंचे तो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर उसने बाइक रोक दी। आसपास देखा तो एक झोला दिखाई दिया। नजदीक गए तो पता चला कि उसमें एक बच्चा है जो रो रहा है। झोले को उठाया तो नवजात को देखा तो कुछ ही घंटे पहले संसार में आया था। रामसूरत की पत्नी ने झोले से नवजात को निकालकर अपने हृदय से लगा लिया, अपने साथ घर ले गई, जहां उसका लालन पालन शुरू हुआ और वह स्वस्थ है। रामसूरत का परिवार नवजात को पाकर बहुत खुश है। लेकिन बड़ा सवाल, जिस बच्चे को पाने के लिए एक माँ पिता सारे जतन कर डालते हैं, उस बच्चे को एक पापिनी माँ ने 9 महीने तक अपने गर्भ में रखने के बाद जन्म देते ही क्यों फेंक दिया। समाचार ए टू जेड के लिए श्रावस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट।